सब हल वेलकम टू बी मैं प्रदीप शर्मा तो भैया आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम से कहाँ था लगभग एक महीना होने वाला है उससे भी शायद ज़्यादा होने वाला है तो आपने वीडियो के जो टाइटल है उसमें देख लिया होगा माई हरनिया सर्जरी हुई है मेरी और उसके अंदर मैं उसका एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ ठीक है जी तो माई हरनी सर्जरी ही लिखूंगा मैं मोस्ट प्रॉब्ली माई टाइटल को देख लेते हैं माई हरनिया सर्जरी एक्सपीरियंस लिख दूंगा या सर्जरी रिपेयर एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कह रहा हूँ एक्सपीरियंस लिख दूंगा ठीक है जी चलो वो सब देखते हैं एक बार फटाफट से एक चेक कर लेते हैं कि हाँ ऑडियो जो है अपनी रिकॉर्ड हो रही है बढ़िया तरीके से और ये जो है अपना वीडियो पर रिकॉर्ड हो रही है ठीक है जी तो सब कुछ सही चल रहा है और ओ भी अपना यहाँ पर स्टार्ट है ठीक है जी तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं कि भैया हरनिया होता क्या है अब ये मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूँ देखो इसके दो परप हो सकते हैं या शायद दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं पहला कि अगर आप में से किसी को भी वैसे तो भगवान ना करे किसी को भी हो लेकिन अगर आप में से किसी को हरनिया के सिम्टम्स हैं तो आपको शायद ही वीडियो देख के समझ आ जाएगा कि हाँ वो हरनिया ही है आप डरो मत कि कहीं वो ट्यूमर ना निकले या कुछ और ना निकले फर्स्ट पहली चीज़ दूसरी चीज़ कि भैया मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो मेरे एक्सपीरियंस से जो लोग डर रहे होंगे ऑपरेशन कराने से या सर्जरी कराने से उनका थोड़ा सा हो सकता है डर निकल जाए शायद मैं निकाल पाऊँ ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉट इज़ हरनिया ठीक है जी तो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं और यार ये वीडियो तभी देखना जब आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम हो, हो सकता है वीडियो पंद्रह मिनट की बीस मिनट की आधे घंटे की भी बन जाए क्योंकि मैं डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताने वाला हूँ चलो ठीक so है जी तो वॉट इज हर्निया अब हर्निया भी पाँच छः तरीके के इनग्विनल हो सकते हैं इन सीजनल हो सकता है अम्ब्रिकल हो सकता है कई तरीके की हर्निया हो सकती हैं लेकिन एक बेसिकली हर्निया की डेफिनेशन क्या है हर्निया अगर्स वैन एन ऑर्गन और फैटी टिश्य स्वीजीज थ्रू अ वीक स्पॉट इन सराउंडिंग मसल कनेक्टेड टिश्यू इज़ कॉल्ड फिसिया थोड़ी सी वैसी लैंग्वेज हो गई इसकी नॉर्मल वाली कहाँ पर है अरे यार रुको तुम लोगों को मैं इजी वाली दिखा देखो क्या कह रहा है आ, ये तो वही चीज़ दिखा रहा है ये वीक चलो कोई नहीं इसके बिल्कुल सम, समझ आता हूँ मैं आपको ये है क्या चीज़ ठीक है जी देखो वट इज इनगुनल हाँ वैसे मेरा जो है इन्ग्विनल हरनिया था मैं अभी आप लोगों को समझा भी दूंगा कि इनगुनल हरनिया जो है वो होता क्या है लेकिन चलो ठीक है एंड हर्निया इज बल्जिंग ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द एबडोम थ्रू अ वीक एरिया इन लोअर वॉल एबडोम हरनिया कहना कर to... इसको छोड़ दो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये हरनिया की विकीपीडिया पर नहीं है क्या उसकी ईजी होती लैंग्वेज ये देखो कितनी आसान लैंग्वेज में इसने विकीपीडिया ने बता दिया देखो हर्निया इज अ एबनॉर्मल एग्जिट और टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन सच एज बोवल थ्रू अ वॉल ऑफ in विच नॉर्मल डिजाइड विच वेरियस टाइप ऑफ हरनिया अब ये कहने का चाह रहा है हरनिया होता क्या है बेसिकली पाँच छः तरीके के मैंने आपको बता दी इन्ग्विनल हो सकता है ये हो सकता है अम्बरिकल कई तरीके के फेमोरल ये तीन चार तरीके के हरनिया हो सकते हैं ठीक है ठीके? जी हो ये हो गए ये हो गए अब मेरे वाला जो हरनिया था वो था जी इन्ग्विनल हरनिया ठीक है जी मेरा था ये वाला इन्ग्वेल हरनिया देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं इन्ग्विनल हरनिया क्या होते हैं एक बार थोड़ी बुकिश लैंग्वेज बुकिश लैंग्वेज करो इंटरनेट की लैंग्वेज देख लेते हैं हरनिया कंटेंट्स गुड एल कैनाल सिम्टम्स विच में इंक्लूड डिस्कम्फर्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ इस तरीके का इसकी इमेज हो जाएगी ठीक है जी मैं आपको ईजी तरीके से समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या होती है एक मिनट रुको चलो टेंप्रेरी टाइम के लिए फ़िलहाल हमारा यही जो है बैकग्राउंड हो जाता है ठीक है जी अब इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ इसको लेकर कि ये जो हुआ था मुझे ये बला क्या थी है ना इसको ब्लैक ले लेते हैं हाँ ठीक काम कर रहा है ये देखो होता क्या है कि जैसे ये जो है हमारी आप इसको समझ लो इस तरीके से कुछ हमारी बॉडी होती है ना तो यहाँ पर हमारी नेवल होती है समझ लो इसको थोड़ी सी ड्राइंग ऐसी बनेगी अब तो हमारे मेन्स के अंदर जो है ये हो गया हमारा पिनस ठीक है शर्माने वाली कोई बात नहीं है इसको भैया समझना है और ये हो गया हमारे दो टेस्टिकल सैक ठीक है जी थोड़ा सा ऐसी बनी ड्राइंग इस, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा वैसे कर देता हूँ ये हो गया पिनस और इधर हो गए हमारे ये दो टेस्टिकल ठीक है जी इसको मैंने थोड़ा सा जो है बड़ा कर दिया इस इस इस, 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 इस ये डायग्राम एक ह्यूमन नॉर्मल बॉडी हो गई क्योंकि माउस से बना रहा हमारा ठेढ़ा बन सकता है ये थोड़ा सा अनलास्ज वाला हो गया ठीक है जी अब जो है इसको करते हैं अब यहाँ पर जो है ना ये एक तरीके की समझ लो हमारी अब डोमिनल वॉल होती है ठीक है जिसके ऊपर हमारा स्टमक हो सकता है इस तरीके का स्टमक हो गया और ये इंटस्टाइन जो ऐसे, ऐसे 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 चलते हैं इंटेस्टाइन हो गया ठीक है अब ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से इंटेस्टाइन जो है मेरा इस तरीके से इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया इस वॉल को यहाँ से ब्रेक करके ये जैसे वॉल पूरी होनी चाहिए इस एरिया को जो है ब्रेक कर कर डाउन किसी कई रीजंस हो सकते हैं डाउन वॉल को ब्रेक करने के वीक हो सकती है वॉल तो यहाँ से ब्रेक करके इंटेस्टाइन मेरे यहाँ पर स्क्रॉटम के अंदर ग्राउंड के अंदर जो है वो आ गया है ये इनगिनल कैनाल के थ्रू आता है और ये टेस्टिकल सैक के अंदर आ गया अब इसके अंदर मुझे सर्जरी की क्यों जरूरत पड़ी देखो दो तरीके के होते हैं हरनिया ये हो गया इनडायरेक्ट और एक यहीं से अगर हरनिया इस तरीके से आ जाता है साइड से निकल के तो इधर ये हो जाएगा डायरेक्ट इन डायरेक्ट हरनिया ये हो गया डायरेक्ट इनगोनर हरनिया और ये हो गया इन डायरेक्ट इनगोयर हरनिया आई डी आई बोल देंगे और इसको हम डी आई बोल देंगे डायरेक्ट इनगोलर हरनिया और इनडायरेक्ट इनगुनल हरनिया तो ये जो मेरे वाला केस था ये इनडायरेक्ट इनिकुलर हर्निया का था ये सबसे कॉमन होता है ठीक है ज़्यादातर लोगों को यही वाला होता है अब यहाँ पर ये नीचे आया कैसे ये एबोनल वॉल को तोड़कर ठीक है जी एबोनल वॉल के अंदर जो है छेद हो जाता है गैप बन जाता है अब ये जो है यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू जहाँ से हमारा टेस्टिकल में से स्पर्म्स निकल के ऐसे पीनस के अंदर जाते हैं उस कॉर्ड के थ्रू सा, सा 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 चल के आ गया अब मेरे वाला जो केस था देखो वैसे तो हर्निया ये वाला बहुत कॉमन है और इसका कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है लेकिन मेरे वाला ऑपरेशन जो है वो लगभग तीन घंटे चला तीन घंटे क्यों चला तीन घंटे इसलिए चला वैसे ही थर्टी मिनट का ऑपरेशन होता है मैं तुम लोगों को बता दूं ये थर्टी मिनट का ऑपरेशन होता है ठीक है जी ज्यादा बड़ा ऑपरेशन ये नहीं होता है तो मेरा केस में क्या था मेरा था कॉन्जेटल इनगुलर हर्निया एक मिनट मैं तुम्हें दिखाई दू अगर दिखा पाऊँ तो कि हरनिया होता क्या है ठीक है जी इसको एक मिनट के लिए ज़रा इस ड्राइंग को ये ड्राइंग समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से तुम लोगों को कहाँ गया ये बैकग्राउंड ठीक है ये ड्राइंग समझ आ गई ना इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ ठीक है कॉन्जीनेट हरियाणा प्रोजेक्शन ऑफ द अपनल एक्टिविटी एक्सटेंड ऑन द ग्राउंड वन ऑफ द बोथ साइड टूवर्ड दिस स्ट्रॉटम बॉयज़ और लेबी इन गर्ल्स तो मैंने वही कहा जो जो टेस्टिकल एरिया था वहाँ पर जो है वो आ गया था अब चक्कर क्या पड़ा कि मेरे वाला जो केस था ये मेरे बाय बर्थ था कॉन्जिनिटल इन्विनल हरनिया जो था मेरा मतलब हुआ क्या है कि हमारे बॉयस के अंदर ना जैसे इस तरीके से मैं समझाता हूँ तुम लोगों को इसको छोड़ो रुको ये वाला हो गया ना हमारा पार्ट ये इस तरीके से समझ लो ठीक है यहाँ पर पीनस हो जाता और यहाँ पर ये दो टेस्टिकल के सैक हो जाते हैं अब यहाँ पर ये जो वॉल होती है ना ये बचपन में थोड़ी सी ऐसे खुली सी होती है ताकि जो है टेस्टिकल नीचे आ पाए है ना अब ये क्या है वॉल में भी हो सकता है शायद खुली रह गई हो ज़्यादा हो रह गई हो वो क्या है कि जो इंटेस्टाइन था मेरा वो भी इसके साथ साथ टेस्टिकल के साथ साथ बन के नीचे आ गया तो ये हो गया, तो गया कॉन्जेनेटल इनगुलर हरनिया मेरा जो बचपन से था तो क्या हुआ कि ये वॉल अब चौड़ी रह गई इधर की बंद है दोनों साइड नहीं था एक तरफ था मेरा इधर की खुली रह गई तो यहाँ के थ्रू उसके साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ साथ अपना इनगोनल कैनाल के, के अंदर सरपास होते हुए टेस्टिकल के साथ साथ ये आ गया अब क्या था क्योंकि बचपन से था ये दोनों चिपके पड़े थे जो हर्निया है ये इंटेस्टाइन बना रहा हूँ जो नीचे आ चुका है इस तरीके से वॉल को ब्रेक करके और इसके साथ यहीं पर टेस्टिकल हो गया और यहाँ पर पीनस हो गया ये तो इस तरीके से जो है इस वाले सैक के अंदर जो है ये दोनों सारे चिपके पड़े थे तो इसको अलग करते करते जो है डॉक्टर की हालत हो गई ख़राब और उस वजह से जो है ऑपरेशन तीन घंटे का चला ठीक है जी यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई अब मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं यहाँ पर बताऊँ पहले सब कुछ देख लो कि सब कुछ सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं 11 मिनट की वीडियो बन चुकी है एक काम करते हैं मैं वीडियो को ब्रेक करके ना एक और बार ऑन करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ग्यारह बारह मिनट की लिमिट रहती है ठीक है सेकेंड लगेगा बस ठीक है जी तो हमारी नेक्स्ट वीडियो है यहां पर स्टार्ट हो चुकी है ठीक है यहां पर हमारी ये रिकॉर्डिंग चल रही है नॉर्मल रिकॉर्डिंग चल रही है बिल्कुल जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग चल रही है और यहां पर ऑडियो भी रिकॉर्ड होती चली जा रही है अब यहां पर जो मैं कह रहा था कि मेरे केस में क्या था आ, हां तो समझा दी मेरे केस में क्या था कि वो पूरा उसके साथ साथ चिपक के आया अब इसको डिटेक्ट कैसे करा जाए देखो हरनिया होते कैसे तरीके के यहां पर मैं सिर्फ इनगुनल हरनिया जो मेरा केस था वही समझा सकता हूँ होगा क्या ना कि तुम लोगों को या तो जो नाबी होती है हमारी मैं एक बार बता देता हूँ ऐसे समझ लो ये हो गए हमारी बॉडी ठीक है जी ये हो गए नाबी अब या तो इनगुल हर्निया इस साइड पर हो सकता है इनगुल हर्निया इस साइड पर हो सकता है या फिर जैसे मेरे वाला केस था कि ये अपना थोड़े लंबे हो गए लाइन ये पीनस हो गया और ये टेस्टिकल के सैक हो गए या तो इस सैक के अंदर कुछ बल जैसा निकल जाता है इस तरीके का मतलब एक टेस्टिकल का साइज़ देखो ये सैक है इसके अंदर ये टेस्टिकल है इतना ठीक है लेकिन ये क्या है ये इस तरीके से बड़ा सा आपको तुम लोगों को देखना स्टार्ट हो जाएगा तो घबराना मत नहीं हम सोचने की मुझे टेस्टिकुलर कैंसर हो गया ट्यूमर हो गया भगवान जाने क्या क्या बड़ी बड़ी बीमारियाँ होगी पहले डॉक्टर को जाके दिखाओ इसका सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो कि कैरेक्ट्रिस्टिक है या इसका फीचर जो है वो ये है कि जब आप लेटोगे ना ये ऊपर चला जाएगा और जब आप खड़े होगे गए स्टैंडिंग पोजिशन पर या सिटिंग पोजिशन पर हो गए, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा ठीक है जी तो ये युनल कैनाल के थ्रू जो है ऐसे ऐसे आके वो मैंने समझा दिया इनडायरेक्ट वाला ऐसे ही होता है डायरेक्ट वाला हो सकता है इधर से आ जाए साइड से निकल जाए कई जगह पे हो सकता है सॉफ्ट होगा ये और लेट हो गए तो जनरली ऊपर चला जाएगा अगर ये लेटर स्टेज पे नहीं गया है तो अब यहाँ पर इसकी स्टेजिस कौन कौन सी होती है मैं वो समझा देता हूँ एक बार इसमें टाइपिंग वाला ऑप्शन नहीं है क्या कोई अच्छा टाइपिंग वाला ऑप्शन नहीं है इसमें नहीं है है ठीक है, है जी टाइपिंग वाला ऑप्शन आ गया देखो जी पहला जो हो गया ये हो गया जी अपना इन गुनर हरनिया ठीक है जी इनगुनर हरनिया का अभी तीन चार तरीके के हो सकते हैं इसमें सबसे डेंजरस सिचुएशन जो होती है वो होती है स्ट्रैंगुलेटेड हरनिया की ठीक है जी अब देखो कई तरीके हो सकते हैं जैसे इनगुलर हरनिया हो गया एक हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड हरनिया अब पहले तो यही दिखा देते हैं तुम लोगों को डायरेक्ट इनगुलर हरनिया आई एच लिख दूंगा इसको मैं ठीक है जी पहला तो ये हो सकता है ठीक है दूसरा क्या हो सकता है जी दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट इनगुलर हरनिया तो आई एच नहीं लिख देते हैं <laughs> इनडायरेक्ट इन्गुलर हार्निया ठीक है जी आईस लिख देंगे इनगुलर हरने को तो वो मैंने एग्जाम्पल तुम लोग को समझा दिया कि ये वाला जो केस था ये इनडायरेक्ट ये इनडायरेक्ट इन्गुलर हरने था जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ इन्गोल कैनाल के, के साथ साथ टेस्टिकल के साथ स्क्रॉटम में मतलब जो टेस्टिकल सैक होता है हमारा वहाँ पर आ जाता है और डायरेक्ट हरनिया यहाँ साइड से आ जाएगा इतना क्लियर है तीसरा जो है होता है हमारा ओब स्ट्रक्ट इनगुलिया इनगुलर हारनिया ठीक है जी ऑब्स्ट्रक्टेड नाम से समझ आ फंस गया है चौथा जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जिसका डाउट मेरा केस में था वो होता है स्ट्रेंगुलेट इन्गुनल हर्निया ठीक है जी यहाँ तक बात क्लियर है तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो है ये स्ट्रेंगुलेटेड की ये स्पेलिंग होगी मेरे ख्याल से स्ट्रेंगुलेटेड इनगुनल हर्निया मेरे केस में चौथी स्टेज डॉक्टर को लग रही थी स्ट्रेंगुलेटेड का मतलब क्या होता है महकटिक नहीं कर रहा है यही होता है मतलब बिल्कुल ऐसे दबा देना कि उसमें से ब्लड फ्लो रुक जाए समझ रहे हो अगर इसमें से ब्लड फ्लो रुक गया ये दोबारा से पेंसिल हो जा भाई अगर इस ये इस तरीके से सैक में इस तरीके से अटक गया और यहाँ पर कुछ भी प्रेशर की वजह से किसी भी तरीके से यहाँ पर ये यह अटक गया है ऑब्स्ट्रक्टेड तो ये हो चुका है है ना स्ट्रेंगुलेटेड का मतलब कि यहाँ पर इसके अंदर जो ब्लड फ्लो है क्योंकि यार हमारा इंटेस्टाइन अगर तुम खुद ही सोचो ऐसे 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 चल रहा है और ऐसे होकर फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यू कर रहा है अब यहाँ पर अगर ये अटक गया ब्लड फ्लो रुक गया यहाँ पर तो यहाँ के टिश्यूज़ मरने स्टार्ट हो जाएंगे फिर ये जो है हिस्सा डेड हो जाएगा है ना ये हिस्सा डेड हो जाएगा क्योंकि ब्लड नहीं पहुँचेगा यहाँ पर ब्लड फ्लो रुक जाएगा ये डेड होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा गैंग्रीन में गैंग्रीन क्या होता है सिंपल वर्ड लेमन लैंग्वेज के अंदर सड़ जाना तो इस हिस्से को फिर ऑपरेट करके निकालना पड़ता है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि इंटेस्टाइन के टिश्यूज तुम्हारे जो हैं मरते चले जा रहे हैं विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इशू लाइफ थ्रेटनिंग केस जो है ये बन सकता है कन्फर्म नहीं था तो मेरा केस मोस्ट ऑफ डॉक्टर को स्ट्रेंगुलेटेड वाला ही लग रहा था ऑब्सट्रक्टेड तो था ही है तो स्ट्रेंगुलेटेड कन्फर्म इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यार ये सर्जरी करनी थी क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई तेरा इस उम्र के अंदर इतना बड़ा हरनिया जो है वो जनरली नहीं होना चाहिए छोटा होना चाहिए मेरा बहुत बड़ा सैक के अंदर बल जा चुका था बिल्कुल ऐसे अलग सही जो है दिख रहा था ठीक है जी अब इसके ऑपरेशन जो है अगर हम देखें इसको मैं ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ अब इसके अगर हम एक बार मैं देख लूँ वीडियो बन रही है ठीक है जी बन रही है ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है हो रही है जी बढ़िया तरीके से और विंडो रिकॉर्ड हो रही है हाँ अब अगर मैं ठीक है कॉन्जिनेटल आ गया समझ अब अगर मैं इसका बताऊँ कि इसका सर्जरी ही इसका जो है एक इलाज है अब इनगुनल हर्निया का प्रोसीजर क्या क्या हो सकते हैं सर्जरी प्रोसीजर यहाँ पर दो तरीके की जो है हमारे यहाँ पर रिपेयर होते हैं एक होता है लेप्रोस्कोपिक और दूसरा होता है ओपन अब यहाँ पर इन्होंने दोनों बता रखा है क्या रिपेयर ऑप्शन यस ये देखो अगर यहाँ पर हम देखें तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है ओपन टेंशन रिपेयर और द बेस्ट रीज़न जो नॉन टेंशन और मैश रिपेयर और लैप्रोस्कोपिक और क्लोज रिपेयर दोनों में फ़र्क क्या होता है फ़र्क अगर मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँ वाइड बैकग्राउंड कहाँ गया मेरा अरे अच्छा इसी कोई बड़ा गलत था क्या अगर मैं दोनों में तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूं, जैसे ही हमारी बॉडी हो गई लेप्रोस्कोपिक में क्या होगा? जैसे ही हमारा वो हो गया अब लेप्रोस्कोपिक में क्या होगा क्योंकि हरनिया अगर तुम्हारा ग्राउंड के अंदर है या बाईफिशियल भी है दोनों साइड पर भी है या एक साइड पर भी है अगर तुम्हारा मेरे जैसा केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जो वो स्मामेटिक कॉड के साथ साथ आर्टिस्टिकल के साथ साथ बिल्कुल पैदा स्टार्टिंग से था बचपन से ही क्योंकि तो यार ये बीमारी दिखती नहीं है स्टार्टिंग में ना जब ये थोड़ा बल्ज बनना शुरू हो जाता वो भी बताता हूँ अभी कि मैंने क्यों अब इसमें ले अंदर लेप्रोस्कोपिंग में क्या होता है बस समझ लो इस तरीके के कुछ तीन डॉट करेंगे वो तीन डॉट मतलब तीन छेद करेंगे एक से डेढ़ सेंटीमीटर के या फिर हो सकता है इस तरीके से करें वो जिस तरफ भी हरनिया है या तो इस तरीके से वर्टिकल हो सकते हैं या हॉरिजॉन्टल डॉट्स हो सकते हैं डॉट मतलब छेद होंगे वो और उनमें से जो है इस तरीके से ये वाला तो कैमरा होता है जनरली बीच वाला और ये जो है दो सर्जिकल ऐसे डंडे से होते हैं ठीक है उसको ऊपर ऊपर से वो चलाते हैं और अंदर अंदर से वो हरनिया को ऐसे ऊपर खींच के उसको सेट करके अंदर ये एक मैश डाल देते हैं अब वो मैश क्या काम करती है उसको सपोर्ट जैसे कि वॉल होती है ना जैसे कोई चीज़ ऐसे 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 ऐसे, ऐसे उसके ऊपर आ रखी है और ये उसको सपोर्ट दे रहा है यहीं पर तुम्हारा पेट भी है सब कुछ है अब ये यहाँ से ब्रेक हो गया इस साइड से तो इधर वो उसको बंद करके मैश डाल देते हैं एक मैश होती है मैश भी दिखा देता हूँ मैं क्या होती है तो इतना समझ आ गया ये हो गया लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर मैश दिखा देते तुम लोगों को लेप्रोस्कोपिक समझ आ गया मैश क्या होती है कुछ इस तरीके की जो है यहाँ पर यार हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाए ये समझ लो ये जो है एक मैश होती है ठीक है इस तरीके की ये जो है बॉडी के अंदर डलती है और ये सपोर्ट देती है अब ये मैं समझना कि ये मैश अंदर रहेगा आर्टिफिशियल चीज़ है फॉरेन मटेरियल है खतरनाक होगा कुछ होगा कुछ नहीं है इसके ऊपर क्या है फाइबरोसिस की लेयर जम जाती है लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो बॉडी सीमेंट जिसको हम कहते हैं अब प्रोटीन और फाइबर्स को इसके अंदर तो हमें डाइट प्रोटीन और फाइबर के रखनी पड़ेगी फाइब्रोसिस की लेयर बोली जाती है ये लेयर जम जाती है ऊपर और नीचे से तो ये मजबूती मत मतलब एक तरीके से वॉल ही आ जाती है यूँ समझ लो ये जो है लेंटर है और सीमेंट तुम्हारी बॉडी खुद बना देगी यूँ समझ लो जैसे घर बनता है ना तो ये हो गया लेप्रोस्कोपिक ये बहुत छोटा ऑपरेशन होता है आसान होता है करना मुश्किल से दो या तीन या चार पाँच छः छेद हो सकते ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे डॉक्टर अपनी सहूलियत के हिसाब से करेगा तो वो छेद करके डॉक्टर जो है तुम्हारा ये ऑपरेशन कर देगा और ये मुश्किल से थर्टी मिनट लगा लो मैक्स टू फोर्टी फाइव मिनट तक जो है चलेगा ठीक है तो ये मैंने समझाई दिया तुम लोगों को लेप्रोस्कोपिक वाला अब जो है अरे यार ये तो बड़ा ख़राब बन रही ड्राइंग अब चलो समझ लेना ये बॉडी है ठीक है यार अच्छे से बना देना बड़ी लचीली कमर बना दी मैंने कोई नहीं तो अब ओपन में क्या होता है ओपन में पूरा इतना चीरा आएगा जिस साइड पर भी है हरनिया दोनों साइड पर है तो लंबा चौड़ा आएगा चीरा वो पूरा चीरा करके मतलब ओपन करके फाड़ कर उसको अंदर अपना हाथ वाथ डाल के जो भी मैश वैश वैसे उससे करेंगे इक्विपमेंट से करेंगे वो लेकिन जरूरत पड़ी तो मतलब वो पूरा एक्सेस हो जाता है अगर कॉम्प्लिकेटेड हर्निया है जो मेरा था उसके अंदर वो ओपन ही रिकमेंड करेंगे तो लेप्रोस्कोपिक तुम्हें समझ आ गया क्या होता है ठीक है तो रिपेयर कैन बी क्लोज और लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर स्पेशली वन दे आर स्मॉलर जनरली छोटे हरनिया के अंदर लेप्रोस्कोप कर दिया जाता है इन सर्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू एन टाइनी सीजन इन दियम डोमिनम विच सर्जन इज एबल टू विजुलाइज एंड परफॉर्म द प्रोसीजर ये समझ आ गया और मैश रिपेयर के अंदर एक ओपन वाला लिखा है इन्होंने ओपन वाला शायद मैश के अंदर ही होगा ये रहा ओपन तो ओपन के अंदर वही है अंटिल योर अबाउट पच्चीस हरिया रिपेयर वन वे ओपन ओपन के अंदर वही तीन से छः इंच का जो है इंच बन सकता है अच्छा खासा ये देखो इतना बढ़िया समझा दिया लेप्रोस्कोपिक में ऐसे तीन हो सकते हैं और ये ओपन के अंदर ऐसे यार अब ये ऐसे कोई वो नहीं है ये कि बिल्कुल ऐसे ही होगा ऐसे भी हो सकता है लंबा चौड़ा भी हो सकता है वो डिपेंड करता है तुम्हारे हरिया के ऊपर तो वहाँ से उसको अंदर डाल के मैश को डाल के सिलाई कर देते हैं अच्छा एक ध्यान रखना लेप्रोस्कोपिक के अंदर जो मैश डलती है वो टैकर्स डलते हैं टहकर छोटे छोटे बटन से लगा लो उससे जो है मैश को टिकाया जाता है अंदर लेकिन अगर इसके अंदर देखे जाए ओपन के अंदर तो वो तो सिलाई के थ्रू हो जाएगा ठीक है जी ये हो गया जी मेन डिफरेंस अपना इन दोनों के बीच में देख लें वीडियो सही बन रही है ओहो फिर ग्यारह मिनट की हो गई मैंने कहा ना लंबी चौड़ी वीडियो बनेगी एक बार इसको फिर रोक कर जो है मैं तो दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को क्योंकि तो मैंने बताया ना ग्यारह बारह मिनट का एक लिमिट है इसके अंदर हाँ जी वेलकम बैक तो ठीक है जी यहाँ पर हमने पार्ट के अंदर इसके अंदर ओपन समझ लिया और लेप्रोस्कोपिक समझ लिया अब जो है मेरे केस में क्या था मैं वो समझा देता हूँ एक्चुअली क्या हुआ कि अब मेरा तो कॉम्प्लिकेटेड लगी रहा था हमने मैंने कह रहा था कि यार प्रेफर कर लो लेप्रोस्कोपिक से लेकिन वहाँ पर दो तीन सर्जन ने देखा जब तो उन्होंने कहा नहीं यार लेप्रोस्कोपिक तुम्हारे मुश्किल ही लग रहा है ये कुछ ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम ओपन से ही करना प्रेफर करेंगे मगर करें ठीक है भाई जो तुम्हें लग रहा अच्छा कर लग रहा क्योंकि वो यूँ कहना है पहले उनका प्लानिंग ये थी कि ऐसा कर लेते हैं कि एक लेप्रोस्कोपिक से करने की कोशिश करते हैं कैमरा डाल देंगे जैसे ये होता है जैसे ये हमारी बॉडी हो गई इस तरीके से तो जैसे ये छेद होता है हमारा यहाँ कहीं पर एक छोटा सा एक एक डेढ़ सेंटीमीटर का छेद डाल के उसमें कैमरा डाल के देख लेंगे अंदर कि अंदर क्या गतिविधि है अगर हो सकता होगा तो लैपटॉप से कंटिन्यू करके यहाँ पर एक और ये दो तीन छेद जितने भी जरूरत हो करके कंटिन्यू कर देंगे वरना इनको कैंसिल करके अपना ओपन में शुरू हो जाएंगे चीरा भारी करके लेकिन उन्होंने जब स्टार्टिंग में मन बना लिया था कि नहीं यार एक ये एक एक्स्ट्रा छेद क्यों करना है जब ओपन ही प्रेफर्ड है तुम्हारे केस में तो ओपन हुआ अच्छा डॉक्टर ने जब खोला वहाँ पर क्योंकि अच्छा अब इसमें एनएस्थीसी किस तरीके से दिया जाता है कई लोगों को ये थोड़ा सा डाउट होगा कि ये ऑपरेशन कैसे होता है मतलब इसमें दर्द होती है क्या होता है भाई मैं बता रहा हूँ पता भी नहीं लगता इसमें क्या लिखा हुआ है से कि वाइन वायलन ओपन हर्नी मे बी डन अंडर जनरल एनस्टीसिया रीजनल स्पाइनल मेरा ये वाला हुआ था रीजनल स्पाइनल वाला और इवन लोकल एनस्तीसिया तो कम ही देते हैं लेप्रोस्कोपिक हरनी इज ऑलवेज डन अंडर जनरल अब ये जनरल एनस्तीसिया क्या होता है रीजनल स्पाइनल और इवन लोकल क्या होते हैं जनरल एनस्थीसिया का कुछ नहीं मतलब होता एक वो लगा देंगे मास्क उसमें से गैस आएंगी हल्की हल्की नींद आएगी और आई वी के थ्रू जो है इंजेक्ट कर देंगे एनएस्तीसा को और तुम आउट ठीक है जी मतलब सो जाओगे तो वो पता नहीं लगेगा क्या हुआ तुम्हारे साथ फिर तो दो तीन घंटे बाद जो भी है तुम उठोगे बाद में और देखोगे अरे वाह हो गया मेरा अब लेप्रोस्कोपी के अंदर हमेशा जो है याद रखना जनरल एनएससी से दिया जाता है क्यों क्योंकि पेट के अंदर ना उसमें सी भरी जाती है फुलाने के लिए ताकि इंस्ट्रूमेंट को डाल के काम अच्छे से कर सके इंस्ट्रूमेंट लेकिन क्योंकि मेरा ओपन हुआ था ओपन एक पुराना मेथड है लेप्रोस्कोपिक नया मेथड है ये भी डिफरेंस समझ लेना क्योंकि तो मेरा ओपन हुआ था ओपन के अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं जनरल भी होता है ये अब मेरा गया था ये रीजनल या स्पाइनल अब इसमें क्या करा था मैं तुम्हें बताता हूँ ये देखो जैसे ये समझ लो ये हमारी बॉडी का बैक साइड हो गई है ना ये हमारी पीठ जिसको कह देते ना ये पीठ हो गई तो यहाँ पर बिल्कुल हमारे हिप के ऊपर ना इधर कहीं पर बिल्कुल बॉटम पर ना सेंटर में ढूँढ ढाँड के ना वो एक ऐसे इंजेक्शन सा मारते हैं वो पहले छोटा सा देख कर ट्रायल देख लेते कि सही जगह पर जा रहा है ना ये एक इंजेक्शन सा मारते इंजेक्ट करते ही मुझे बोला कि अरे भाई लेट जाओ फटाफट भाट। ऊपर ना चला जाए मैं फटाफट भाट लेटा मैंने देखा मेरे नीचे का जो शरीर है मतलब नीचे के जितने भी मेरे टांगे हो गई जो भी था ये टांगे समझ लो इसको और ये मैं लेटा पड़ा हूँ ऊपर भाई बिल्कुल पत्थर सा बन गया मतलब कुछ महसूस ही सब खत्म मतलब बिल्कुल जीरो हो गया बिल्कुल कोई सेंसेशन नहीं बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने ये क्या कर दिया मैं डर गया एकदम से भाग ये क्या हो गया कहते अरे वही ऑपरेशन कर है दर्द दर्द को रोकना नहीं रोकना तो इसलिए हमने सुन कर दिया नीचे का कहते हैं तो हमें बेहोश नहीं कर रहे हम होश में हुआ मेरा ऑपरेशन और मेरे साथ बातचीत हो रही है क्योंकि वो लोग ये सोच के चल रहे थे कि इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक घंटा लग जाएगा ऑपरेशन अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकलेगा कि तीन घंटे अब किसी को भी बोलोगे ना कि हरने का ऑपरेशन किसी का तीन घंटे का हुआ है वो सोचेगा तो मेजर ऑपरेशन था कुछ और भी होगा उसके साथ तो मैंने बताया इंजीनियटर इंजुनियर हरिया था मेरा बिल्कुल चिपका पड़ा था अंदर तो उसको तरीके से जो है निकालना होता कि स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो डैमेज ना हो जाए अगर वो डैमेज हो जाए जाएगी तो टेस्टिकल से रिस्पॉन्म कैसे जाएगा ऊपर तक है ना तो ये समझ आ गया तो अब यहाँ पर हाँ तो हमें बिल्कुल नीचे से जा है ना सहारा सुन होता चला गया नीचे का भाई एकदम घबरा के कहते हैं घबराओ मत आराम से रहो अच्छा मुझे लेटा दिया यहाँ पर मेरे ऑक्सीमीटर लगा हुआ था आईवी के लिए वो जो लगाते हैं हाथ में वो लगा हुआ था बीपी पी यहाँ पर हर दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस मिनट में जो भी है, वो ऑटोमेटिक मशीनें चल रही थी टूटा टीटा चाह चाह बहुत होती रहती है वो ओ में तो लोगों को बताती क्योंकि मेरा ऑपरेशन होश में हो तो मुझे सब कुछ पता था कि क्या हो रहा है ये था कि साइड में गाने भी चला रखे थे एफ रेडियो पर तो था थोड़ा सा पेशेंट का ध्यान भटका बाकी डॉक्टर भी जो है बहुत स्वीट थे मेरे अगर मैं कोशिश करता हूँ अगर कर मैं डॉक्टर को ला पाऊँ वीडियो के थ्रू एक कि बताओ जी मेरे केस कैसे लगाओ ऑपरेशन करके तो उनका एक्सपीरियंस भी कोशिश करूँगा मैं लाने की अगर हो पाया तो गारंटिड नहीं है तो वो भी मेरे साथ अच्छी खासी बातचीत कर रहे थे ठीक है जी ये हो गया तीन घंटे बाद जो है मुझे पता नहीं लगा यार फिर हाँ लेकिन ये है कि जो ये स्पाइनल होता है ना ये एन इसका असर भाई साहब पूरी रात भर रहा मजदूर तो मतलब उस दिन और उससे अगले दिन तक भी तुम मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे को 24 घंटे तक ना ऐसे लेटने को कहा जाता है बिल्कुल सीधे मुंह खड़े होके नहीं लेटना मतलब खड़े नहीं होना ज़्यादा देर तक हेडेक हो सकता है क्योंकि वो एकदम ऊपर पहुंच जाएगा ऐसा कुछ कंसेप्ट मुझे एन एस वाली जो टीम थी उन्होंने बता दिया तो कहता भाई कोशिश करियो ऐसे रही हो और मतलब वॉशरूम तो अभी खुद से तुम जा ही नहीं सकते क्योंकि नीचे का सारा सुनना है तुम चल भी नहीं सकते मतलब ये समझ लो बिल्कुल ठीक घबराने वाली बात नहीं कही लोग सोचेंगे कह रहे हम पैरालाइज नहीं हो जाए परमानेंट ना कुछ हो जाए ऐसे कुछ ना हो जाए अभी तक जो है मेरा कुछ एक पार्ट हिस्सा पैर का नंब है अभी तक भी अगर मैं देखूँ तो लेकिन वो डॉक्टर कह रहे हैं नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है आफ्टर टाइम थ्री टू फोर मंथ्स अपने आप रिकवर हो जाएगा ठीक है जी तो ये हो गया ऑपरेशन की बात टाइम अगर हम इसकी बात करें ऑपरेशन की लेप्रोस्कोपिक अगर तुम्हारा होता है ऑपरेशन तो लेप्रोस्कोपिक केस के, के अंदर जैसे कि यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक मैंने दिखा रखा था तो लैप्रोस्कोपिक के अंदर जो है अगर तुम्हारी मैश डली भी है तो उस केस में तुम लोगों को मोस्ट रैबली या तो सेम डे डिस्चार्ज कर देंगे या फिर एक दिन रखकर अगले दिन डिस्चार्ज मतलब आज ऑपरेशन हुआ अगले दिन डिस्चार्ज होगा बहुत छोटा ऑपरेशन होता है लेप्रोस्कोपिक के अंदर लेकिन अगर जो है यहाँ पर तुम्हारा मेरे वाला केस हुआ है अगर ओपन हुआ है लेकिन तुम्हारा नॉर्मल है छोटा सा है ज़्यादा बड़ा नहीं है या मेरी तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उस केस में भी मोस्ट रॉबली तुमको भी एक दिन बाद जैसे आज ऑपरेशन हुआ तो कल डिस्चार्ज कर देंगे या हद मार के पर्सनल डिस्चार्ज कर देंगे क्योंकि मेरा थोड़ा सा था मैंने बताया तो थोड़ा सा कम था तो मैं चल फिर नहीं पा रहा था एकदम से ऑपरेशन के बाद दिक्कत से आ रही थी पेन हो रहा था कई चीज़ों की दिक्कत थी तो दो तीन दिन मैं हॉस्पिटल में रहा उन्होंने कहा कि भैया चले जाओ अब इसके अंदर एक चीज़ में तुम लोगों को बहुत मेन बता दूँ एक मिनट देख लो वीडियो बन रही है ना कोई दिक्कत तो नहीं ओ हो वीडियो बंद हो गई एक मिनट चलो कोई नहीं मेरी ऑडियो तो आई रही है ना अगर मैं नहीं भी दिख रहा तो मेरी ऑडियो तो आई दी है मैं तुम लोगों को एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ ध्यान से सुन लेना अगर ये ऑपरेशन तुम कराते हो तो इस ऑपरेशन में तुम लोगों को वॉकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है कई रीज़न्स हैं ऑपरेशन होने के मतलब अगर तुम्हारा लेप्रोस्कोपी से हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन विद इन थ्री टू फोर डेज तुम लोगों को डॉक्टर कह देगा कि भैया चलना शुरू कर ज़्यादा मत बैठ लेकिन अगर मेरी तरह ओपन हुआ है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ओपन कॉम्प्लिकेटेड हो है ना मैंने बनाया ये वर्ड कुछ नहीं है तो इसके अंदर वन वीक तुम लेकर चलो उसके बाद मतलब ये भी ज़्यादा बोल दिया वैसे तो मैं मैं भी चौथे या पाँचवें दिन से जो है शुरू हो गया था चलना और इसके अंदर चलना बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भैया एक तो तुम्हारे अंदर एक आर्टिफिशियल मैश गई हुई है उसको जो है मूवमेंट से जो है एडजस्ट होगी वो ठीक है यहाँ यहाँ से मूवमेंट होगी यहाँ यहाँ से तो मैश होगी थोड़ा बहुत पेन होगा वो पेन रिलीफ़र पेन रिलीफर जैसे पैरसिटामॉल हो गई ये सब वो देते हैं बहुत ज़्यादा सीवर केस है तो हो सकता है वो वगैरह दे दे लेकिन अपने से सेल्फ से मेडिकेशन कुछ मत करना जो डॉक्टर कह रहा है या जो सर्जन कह रहा है वही लेना मुझे तो देखो पी दी थी पैरासिटामोल सिम्पल हल्की फुल्की सी दवाई है इससे मेरा जो पेन रिलीफ करा था इन्होंने अच्छा वॉकिंग बहुत ज़रूरी है ठीक है कि मैश रिपेयर एडजस्ट हो जाए दूसरी चीज़ अगर तुम वॉकिंग इसमें नहीं करते ना तो इसके अंदर ना डी वी टी होने का डर रहता है ये शायद तुम्हारे को तुम्हारा डॉक्टर ना बताए क्योंकि ये रेयर होता है डीबीटी होता क्या है डीप वेन थ्रोम्बोसिस <laughs> अब नाम से डर गए होगे तुम लोग ये क्या चीज़ है देखो कुछ नहीं है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब ये होता है कि भैया चकथे से जम जाते हैं क्लॉटिंग जिसको कहते हैं ना तुम ना चलो क्योंकि तो यार कट्स लगे हैं तुम्हारे वहाँ पर नर्वस बनने स्टार्ट होंगी तो वेन्स के अंदर ना क्लॉटिंग हो सकती है ब्लड क्लॉटिंग तुम चलोगे मतलब तुम इन शॉर्ट ये समझ के चलो इसको अवॉइड करने के लिए या फिर वैसे भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल रखने के लिए भी तुमको वॉकिंग इज़ मैंडेटरी तो जितना जल्दी हो सके ये नहीं कि बिल्कुल उठ के उछलना कूदना स्टार्ट कर दो तुम्हारी बॉडी अलाउ करे तभी करना ऐसे नहीं कि मेरे कहने पे बिल्कुल उछलना स्टार्ट कर दो और अपने सर्जन से जो है कांटेक्ट में रहना ऐसे तो मैं चाहूँगा तुम तो में से किसी को भी ये ना हो ऑपरेशन तो सारा वर्ड ही ऐसा है कि फट जाती सुनती तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी को ना हो लेकिन अगर हो जाता है तो उसको डिले मत करना क्यों कह रहा हूँ मैं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर जो है मैं वो भी बता देता हूँ अगर जो है ये स्ट्रेंगुलेटड होता है तुम्हारे वाला केस तो यार इस स्ट्रेंगुलेशन में ना एक दिक्कत है दिक्कत ये है इसमें कि ये स्ट्रेंगुलेट अगर हो जाता है ना हरनिया तो ये अंदर ही फट जाता है मतलब तो जो मैंने तुम्हारे अरे यार जैसे ये जैसे हमारे हो गए ना बॉडी तो ये हमारा पीनस था और ये सपोर्ट वो टेस्टिकल के तो यहाँ पर ये अगर अंदर ऐसे फंसा रह जाता है ना और इसमें ब्लड फ्लो रुक जाता है तो मैंने कहा ना ये फटने के चांस रहते हैं पहले तो गैंग्रीन में कन्वर्ट होता है ये सड़ जाता है सड़ने के बाद में फट जाता है अंदर क्या है जहर फैलना स्टार्ट हो जाता है और यार वो वही मैं कह रहा हूँ एमरजेंसी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में मत पहुँचना प्लीज़ क्योंकि तो उसमें एमरजेंसी क्योंकि वन टू थ्री आवर्स जनरल टाइम होता है इसके अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तुम्हारा इसका और अंदर फट गया जहर फैल गया तो तुम तुम्हारी डेथ भी हो सकती है इसके अंदर ठीक है डरा रहा हूँ मैं बिल्कुल डरा रहा हूँ तुम लोग कहोगे भाई डरा रहे हैं मैं बिल्कुल डरा रहा हूँ क्योंकि तुम डराना बहुत ज़रूरी है डरोगे नहीं तो फिर काम नहीं करोगे ठीक तो है जी फिर ये बहुत एक्सट्रीम बता दिया मैंने लेकिन तुम्हारे को अगर कोई भी लगे बल्ज हल्का सा भी बिल्कुल जाओ डॉक्टर के पास सर्जन के पास और फटाफट जाकर अपना चेकअप कराओ ठीक है जी तो ये था जी मेरा एक्सपीरियंस अगर कुछ और याद आएगा तो मैं पार्ट टू बना देंगे कितनी लंबी वीडियो बनी दिखाओ अच्छा ये तो बंदी हो गया ना ये तो आ, कितनी बनी ये बताएगा मुझे चौंतीस मिनट वाओ मैंने कहा ना लंबी वीडियो बनेगी अगर तुम लोग यहाँ तक आ चुके तो इसका मतलब तुम्हारे को यह तो सीखने की बहुत ज़्यादा चाह है या तुम्हारे को दिक्कत है कोई तो अगर तुम्हारा सेकंड पॉइंट है कि तुम्हारे को कोई दिक्कत है तुम्हारे सीखने की चाह तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम लोग इस वीडियो में आ गए हो लेकिन अगर तुम्हारे को कोई दिक्कत है तो भैया रिस्क मत लेना ठीक है जी बिल्कुल भी रिस्क मत लेना और अपने डॉक्टर के पास चले जाओ चुपचाप तो ये मैंने दो तुम्हारे को बता दिए तो यही था जी इस वीडियो के अंदर बाकी बताना वीडियो कैसी लगी और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर को ला पाऊँ कोशिश करता हूँ तो वो अच्छे से आपको और डिटेल में समझा पाएंगे कि क्या केस हो सकता है इसको अवॉइड कैसे अच्छा अवॉइड करने के लिए मैं दो चार चीज़ें मैं ही बता देता हूँ वेट को कंट्रोल रखना अपने एक तो दूसरी चीज़ खांसते हो ना तो ज़्यादा मत खांसा करो मतलब अगर खांसी हो रही तो अपना खांसी की दवाई ले ली या फिर मतलब तुम लोगों को वो सारी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है जो पेट पे जोर दे सिंपल से लॉजिक समझ लो जिम जा रहे हो बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा रहे हो पेट के थ्रू उठा रहे हो भैया गलत है हरनिया ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है मैं बता दूँ जवान हो बूढ़े हो वॉल है यार वो फट सकती है कोई दिक्कत नहीं उसमें हाँ बहुत मजबूत है बहुत अच्छी तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया मजबूत वॉल बनी हुई तो कुछ ना होगा लेकिन तुम क्यों रिस्क लो अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा वेट मत जितना तुम्हारी बॉडी अलाउ कर रही है वेट उठाने को वेट से जो है हरनिया का डायरेक्ट रिलेशन होता है मतलब वेट उठाने से और बॉडी के वेट से भी होता है उसको भी कम रखना कंट्रोल में रखो बेसिकली खांसते हो आराम से कोशिश करो खांसी को जल्दी से जल्दी जो है क्योर करो गर्म पानी ले लो शहद डाल के पी लो जो भी तुम कर सकते हो कोई दवाई लेनी है वो दवाई ले लो भैया क्योंकि तो खांसी जो है जो है ये अगर तुम्हारे हरनिया है खांसी से वो बढ़ जाएगा तो वो फिर रिस्की हो जाएगा फिर वही बड़ा हो जाएगा तो ओपन ऑपरेशन होगा जहाँ तुम्हारा लेप्रोस्कोपी में काम बन सकता था वहाँ तो तुम फिर ओपन में जाओगे ठीक है जी तो यही था कुछ चीज़ें बाकी पार्ट टू अगर तुम लोग कहोगे तो मैं बना दूँगा इसका और डिटेल में सीख लेंगे उसके लिए कि मेरा जो था ये वाला था इनगुल हर्निया तुम लोगों को मैंने बता दिया ये इसका डायग्राम है अगर इंटरेस्टेड है कोई अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट देख रहा है जो कि पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि इस चैनल पर लॉ स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे लेकिन क्योंकि ये वीडियो जनरल वीडियो बनाऊँगा मैं तो मे बी कोई मेडिकल स्टूडेंट भी हो तो इस तरीके से कुछ डायग्राम होता है बाकी तो यार आप लोग पढ़ते ही हो इस तरीके से कुछ इंसीजन इसके अंदर दिया जा सकता है ये मतलब ये मतलब ये बल्ज दिखा रहा है यहीं कहीं पर काटा पिटी होती है या तो ऐसे कांटा पिटी हो जाएगी या इस तरीके से हो जाएगी वो सर्जन अपने हिसाब से देख लेगा इसे कुछ इस तरीके से अल्ट्रासाउंड दिखते हैं जिससे हम देख सकते हैं हर्निया कितना बड़ा है और उससे थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि हम लेप्रोस्कोपी करें या फिर अपना क्या कहते हैं ओपन करें ज़्यादा बड़ा होता तो जनरली ओपन ही प्रेफर करता है सर्जन ठीक है जी तो यही था जी इस वीडियो के अंदर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और पार्ट टू मैं बना दूंगा अगर कुछ मुझे लगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो ठीक है जी ओके जी सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा बाकी कॉन्टैक्ट अगर मेरे से करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मेरे कॉन्टेक्ट के मिल जाएंगे इंस्टाग्राम का हो गया कॉल फॉर मी का हो गया जिसके थ्रू मेरे से कॉल के थ्रू जो है डायरेक्ट बात कर सकते हैं चलो जी बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द चैनल एंड क्योंकि मैं ये वीडियो अलग अलग चैनल्स पर हो सकता है अपलोड करूँ तो इसलिए मैं चैनल का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा ठीक है जी चलो जी बाय बाय